सुधार दिए उनका, सुधार दिए। देखिए आप पूरा टेंशन समझ में आ रहा है, आप माइक में बोलते रहिए जी, ऐसा मत कीजिए, हम लोग को जाना होगा, बहुत बेटा है, वो एक ही तो बेटा है, हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी, ऐसा वैसा। और फिर भैया आपने एक डिसीजन लिया आपने, ये गेम खेल रही हो, ट्रिंग ट्रिंग एक्शन तो करो। अरे कान में क्यों लगा रही हो, पहले देखो फोन आया है किसका है, गौरी चाचा का। जी सबसे पहले मेरी आप सबको प्रणाम, और मेरी ये फिल्म है तेरे संग यारा, जिसका फर्स्ट दिन शूट स्टार्ट हुआ है मुंबई में, तो बहुत अच्छे से काम हो रहा है आप सबके आशीर्वाद से, तो आज ये फर्स्ट दिन है। जी जी मेरा तो शूट नहीं था, और अवनी जी का शूट चल रहा है और संजय जी का शूट चल रहा है, तो मैं तो ऐसे ही आई हूँ आज सेट पर। ठीक है, फिल्म शुरू हुई आज पहले दिन ही, और पहले दिन ही आज संजय जी काफी गुस्से में चिल्ला रहे थे सेट पर, क्यों डांट रहे थे भाई? कैरेक्टर है कि बेटा है जो बाप का कहना नहीं मानता है, तो बहुत हमारा गर्दी करता है, तो वही सब उनका कैरेक्टर है। आज यही सब सेट पे चल रहा है? हाँ यही सब आज सेट पे चल रहा है। अच्छा, अब पहली बार आपने कैमरे को फेस किया होगा, मतलब ये बड़ा वाला कैमरा। जी जी जी, तो कैसा लगा था, मतलब थोड़ा सा नर्वस वर्वस थे? हाँ नर्वस भी थे और खुशी भी थी सर, कैमरा तो जी। मोटिवेट किसने किया सबसे ज़्यादा आपको? मोटिवेट हमारे डायरेक्टर सर ने भी किया, संजय भैया ने भी किया, और सोनू भैया हैं, अखिलेश भैया हैं, तो सब ने मोटिवेट किया मुझे। अधितिका जी तो देखिए आपको मोटिवेट करने ही आ जाएंगे। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि फर्स्ट डे है तो मैं चाहती हूँ साइड पर। मैं फिर से चाहता हूँ कि जो ये इंटरव्यू पहली बार आज जो ऑडियंस देख रही है, रितिका और आप दोनों अपने किरदारों के बारे में बताएं, इसमें बेसिक कितना इसकी कहानी का हिस्सा है? जी इसमें जो मेरा कैरेक्टर है राजा नाम का, कैरेक्टर का नाम राजा है, तो वो अपने राजयोग पे टिका रहता है, उसका कुछ काम नहीं करता है, बस मेरा राजयोग आएगा और किस्मत बदल जाएगी, तो वो उसी पे टिका रहता है, ये कैरेक्टर मेरा फिल्म में। जी मेरे कैरेक्टर का नाम दिया है, और काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी जो घमंडी टाइप की लड़कियां होती है उस टाइप का कैरेक्टर हो, हमेशा हीरो से पंगा लेती रहती है, हमेशा उसको चिल्लाती रहती है, सो काफ़ी ड्रामा वाला कैरेक्टर है मेरा इस पिक्चर में। तारीफें आप कर रहे थे, संजय पांडे ने तारीफ की आपके डायरेक्टर साहब ने तारीफ की, जी बड़ा पोटेंशियल है, जब ऐसे लीजेंडरी लोग आपकी तारीफें करते हैं तो आपको काफ़ी शक्ति मिलती होगी। जी बिल्कुल, ऊर्जा मिलती होगी जी, आपको क्या लगता जी? बहुत अच्छा लगता है, सीनियर हैं सब लोग, अच्छे से गाइड कर रहे हैं, और ऐसे ही सबका साथ रहेगा तो अच्छे से हम पूरी फिल्म को कंप्लीट कर पाएंगे, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द जी। कहते हैं कि भोजपुरी में सिंगर्स का बोलबाला होता है, जी अच्छी चलती है, आप सिंगर नहीं हो जी, आप एक्टर हो जी, इस बात का कभी ये लगता है कि भाई सिंगर होते तो ही बेहतर होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम लोग अच्छी फिल्में बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो फिल्में चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिंगर ही हैं तभी चलेंगी, फिल्में चलेंगी, अगर अच्छा स्टोरी रहेगी, अच्छा काम किया जाएगा तो बिल्कुल फिल्में चलेंगी। मैं इसमें एक पिता का किरदार है, जो हीरो है उसके फादर का रोल कर रहा हूँ, और वो बेटा बहुत शैतानी बदमाशी करता रहता है, बाप की अपने बिल्कुल नहीं सुनता है, और पिता और पुत्र के बीच में बहुत एक जनरेशन गैप तो है ही, मतभेद भी है, दोनों बिल्कुल उद्दंड बालक है वो, तो उसकी किसी हरकत की उससे फ़ोन पे खबर मिलती है और वो चिल्ला रहा है, ये एक सीन था ये। अच्छा ये चीज़ें इतने संजीदा तरीके से आप कैसे एक्ट करते हो, मतलब कहीं आपने देखा किसी को असल ज़िंदगी से, आपने इंस्पायर्ड हुए किसी चीज़ से, कैसे? हाँ मतलब कुछ तो एक्टर दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है लाइफ में, अनुभव और अनुभूति, कुछ तो अनुभव है जो उसके साथ बीता होता है, कुछ अनुभूति जो दूसरों के साथ मोहल्ले पड़ोस में आसपास में देखा होता है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं हम ऐसे सीन्स में। कोई ऐसा बेटा देखा था, कोई ऐसा सुपुत्र देखा था जो पिताजी की बात बिल्कुल नहीं मानता था? हाँ ऐसे बहुत सारे आसपास के बच्चे थे जो लड़ते थे, पर एक इमेजिनेशन भी होती है कि बेटा वो ऐसा रिएक्ट करेगा तो पिता कैसा रिएक्ट करेगा, तो उस तरीके से बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी ने, बहुत कुछ सिखाया है। फिल्म का नाम है तेरे संग यारा, और इस फिल्म में एक नवोदित कलाकार हैं अवनीश दुबे, जो पहली बार इंडस्ट्री में आ रहे हैं एज ए हीरो। फिल्म एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पे है, एक रोमांटिक कहानी है, और इस फिल्म में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं टिपिकल विलन नहीं हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक मामा है जो ज़िंदगी में हमेशा शकुनी और कंस जो मामा रहते हैं वो ज़िंदगी में हलचल पैदा करता है, और बाद में एक क्षण के बाद
उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसका पश्चाताप करता है। होता है नए एक्टर के साथ होता है, हम भी कभी नए थे, हमें भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा और इसी से हम लोग सीखे और अच्छे हैं सब, नए एक्टर भी अच्छे हैं और पुराने के साथ काम करने में और मज़ा आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नए पुराने से कुछ नहीं है, और पुराने का अगर सानिध्य मिले तो नए एक्टर और सीखेंगे और सीखना चाहिए। और मैं नए एक्टर से यही कहूँगा कि जब आप पुराने एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, उनकी चतुराई देखिए कि वो सीन के साथ कितने बेहतरीन ढंग से प्ले कर रहे हैं, तो ये सीखने का एक बहुत अच्छा मौका होता है। संजय जी, इस फिल्म में क्या है, आप विलन होते हैं या? नहीं नहीं, इसमें विलन नहीं हुआ, इसमें जिसे कहा जाए शुद्ध सकारात्मक किरदार एकदम प्योर पॉजिटिव करेक्टर है ये, और कहीं से विलन नहीं है। एक पिता है जो अपने बेटे से परेशान है, बेटा हम लोग बीच में बहुत गैप है, हम एक दूसरे की फीलिंग्स को एक दूसरे के थॉट को नहीं समझते, प्यार है पर विचार नहीं मैच खाते हैं, और वो भी बड़ी फनी तरीके से। हाँ, वो भी मतलब ऐसा नहीं है, हार्डकोर वैसा नहीं है, बहुत ऑडियंस इसको बाप बेटे की जो केमिस्ट्री है जो उसको एंजॉय करेंगे लोग। इस फिल्म में कैरेक्टर है गौरी शंकर, वो रोल कर रहा हूँ, वो एक ट्रैक है, एक लड़की होती है, उसका मैं पिता हूँ इसमें। बाकी ये जो हबीब जी हैं, इसके पहले जब ये एक्टर थे, स्ट्रगल करते थे, तो ये उस समय मिले थे स्ट्रगल में, आज फिल्में कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर। कई बार हमने सुना कि आप सेट पर डायलॉग बोलते वक्त कई बार कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, काफ़ी लाउड डायलॉग बोल जाते हैं, आर्टिस्ट डर जाते हैं। हाँ, ये कई बार होता है कि मैं थोड़ा सा एग्जिट डरते उस वक्त हैं जब एक चेंज ओवर लाता हूँ अपनी डिलीवरी में। हाँ, वेरिएशन के लिए कि लाउड हो रहा हूँ, अचानक एक जर्क देता हूँ अपनी डिलीवरी में, उस वक्त कई बार होता है कि रिहर्सल में थोड़ा प्रेशर कम होता है, सीन में ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि पता होता है कि अब सीन चल रहा है। तो एक्टर कई जगह वो फिल्मों में भी दिखता है कि लोग रियल में कांप जाते हैं, वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है तो हाँ थोड़ा सा एक्टर ऐसे रिएक्ट कर देता है कई बार। हमेशा से मानना है कि किसी भी कलाकार को एक फिल्म या एक ऑडिशन से जज नहीं किया जा सकता, अगर वो आगे अपनी समर्पण और मेहनत इसी तरह जारी रखेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाला भविष्य उनका सुनहरा हो। बहुत हार्ड वर्कर है और मेरी उनको दिल से बधाई और शुभकामना है कि वो आए, अच्छा काम करें, एक हमारी इंडस्ट्री में एक अपना आयाम और अपने वो सपने सच करें जिसके लिए वो आए हैं। ऊर्जा है, टैलेंटेड है, तो मुझे लगता है कि लंबा रास्ता तय करेंगे। सर, आप कहाँ कहाँ अभी शूट करेंगे, तो पहले दिन शुरुआत आपने की, आगे कहाँ शूट करेंगे और कब तक आपका सिनेमा पूरा हो जाएगा? सर, आज हम मड में कर रहे हैं, फिर हम 10th को हम लोग कल गैप कर रहे हैं और कल हम लोग बाहर निकल रहे हैं, मुंबई के आसपास के लोकेशंस हैं और विरार में हम लोग शूट कर रहे हैं, वहाँ अभी एक्शन और कुछ एक गाने का सीक्वेंस चलेगा, फिर हम वापस मड में आएंगे और मड में कंप्लीट करेंगे। कुछ एक गाने हैं जो हम आउटडोर क्या सोच रहे हैं शूट करने के लिए, कुल मिला के मुंबई के आसपास ही सारी है। और ये मैं एक और चीज़ बता दूं कि हबीब साहब के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है, हम एक दूसरे को लगभग 17-18 साल से जानते हैं, ये भी बहुत थिएटर के ही हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और इनके साथ मेरी ये चौथी फिल्म है, हमारा अच्छी एक केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। फिल्म में नए लड़के हीरो हैं, अनीश दुबे, और इस फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है, इस फिल्म का मैं युवा खलनायक हूँ, मतलब एक अच्छा कैरेक्टर है जो कि हीरोइन से प्यार करता है, पूरी उसके बाद फाइट आउट होती है जो हमेशा होता है, प्यार करते हैं फिर हीरो बीच में आता है डिफेंस करता है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसमें, मैं इस पिक्चर का मैं मेन विलन हूँ। और समर्थ भैया जो पिक्चर के हम निगेटिव साइड में, मतलब मामा बने हैं, कंस होता है शकुनी मामा, लाइक है शकुनी मामा समर्थ भैया है। आप दुर्योधन है? हाँ, दुर्योधन है। अच्छा, इस टाइप का हमारी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी फिल्म है, कहानी बहुत अच्छे हैं। मैं पॉजिटिव हूँ और मैं हमेशा से पॉजिटिव ही रहा हूँ, वैसे भी इंसान पॉजिटिव है ये अच्छा और इसमें पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ, मैं अवनीश दुबे जी का दोस्त हूँ और जब जब इन पर मुसीबत आती है तब तब मैं इनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता हूँ, कुछ इस तरह का कैरेक्टर है मेरा।
हबीब जी जो डायरेक्टर हैं इनके साथ मैं पहली बार काम करूँगा। अभी तो आज मेरा पहला दिन है और अभी मेरा सीन शुरू नहीं हुआ है, शाम को होना है। और फिल्म की कहानी सुना है, अच्छी कहानी है। विनोद जी हैं हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हम साथ में स्ट्रगल किया करते थे और ये धीरे धीरे बुजुर्ग हो गए और मैं जवान हो गया। तो मैं बचपन से इनके साथ, युवा हैं, जवान भी नहीं, अभी आप युवा हैं। युवा हो गया हाँ, मेरा बचपन इनके साथ स्ट्रगल करके गुजरा है। जी कंटिन्यू। और ये अभी पिताजी का रोल करते हैं और मैं इनके जो इनका जो बेटा होता है उस उनका दोस्त होता हूँ। कई बार अभी एक फिल्म आई थी लगल रहा बताशा, उसमें ये मेरे चाचा थे, मैं इनका पैर छू रहा था, आज भी पैर छूता हूँ। प्रभु जी पंडित जी भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। इनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। रोमांस करने का मौका इसमें नहीं मिलने वाला मुझे। तो आप इस बात को लेकर दुखी नहीं हैं? सो नहीं, दुखी नहीं हूँ मैं इनके साथ कर लूँगा रोमांस। हमारे दोस्त लोग हैं ना, सो हम वहाँ पर मस्ती करेंगे शूटिंग पर। बहुत अच्छा लोकेशन है वहाँ करने वाले हैं, विरार में ना, विरार में शूटिंग है, आप लोग आइए वहाँ पर। सुनो, बड़ा मज़ा आएगा नए उम्र के हीरो से भिड़ने में, नए उम्र का विलन। बिल्कुल नहीं, मज़ा भी आता है कि वो नए लोग हैं ना, उनको भी कुछ मतलब सीखने को मिलता है, नए कुछ करने को मिलता है। और नए के साथ आप जानते हैं कि नए लोग पूरा खुल के कॉपरेट करते हैं, वरना पुराने वाला ठीक है आप जानते ही हैं वहाँ चीज़ें निकलते हैं, लेकिन नए में क्या है कि सीखने को मिलता है और पूरा टाइम रहता है, भरपूर टाइम। पुराना चावल होता है, वो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप किसी नए के साथ काम करते हैं तो वो एक बहुत स्वाभाविक अभिनय वाली स्थिति में रहता है और आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैमरे की शब्दावली को समझ के तो कहीं ना कहीं थोड़े से मैकेनिकल हो जाते हैं।